हेलो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कलर ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है द सन अ कैंडल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब अब हम पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉन लूमिनेस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते और नॉन लूमिनेस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है द मून अ पीस ऑफ क्लॉथ वुड एक्सेट्रा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू सारी लाइट पास हो जाती है और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है एयर वाटर एंड ग्लास ऑपेक ऑब्जेक्ट्स ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं होती और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं वुड स्टोन एंड मेटल्स अभी हमने पढ़ा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में अब हम देखते हैं किसी नॉन ल्यूमिनियस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर ऑफ लाइट को अपने से से ट्रांसमिट और वी कैन पास करता है इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इस एक्टिविटी में हम एक ग्लास लेते हैं उसे फिल कर देते हैं विथ क्लीन वाटर और उस पर हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं जब हमने वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया तो जो वाटर है वो हमारा कलरलेस दिखता है और वी कैन से वाइट दिखता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वो सारे कलर ऑफ लाइट को अपने से थ्रू ट्रांसमिट कर देता है अब हमने क्या किया कि वाइट लाइट के बदले ग्रीन लाइट को इंसिडेंट करवाया ऑन दी वाटर जब हमने ऐसा किया तब जो वाटर जो है हमें ग्रीन कलर का दिखता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वाटर जो है वो ग्रीन कलर की लाइट को अपने से थ्रू ट्रांसमिट करता है तो हमें पता चला इस एक्टिविटी से कि जो नॉन लुमनेस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कलर डिपेंड करता है टू कलर ऑफ द लाइट इट ट्रांसमिट अब हम देखते हैं किसी नॉन ल्यूमिनस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट या ऑब्जॉर्व करेगा इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इस एक्टिविटी में हम एक रेड कलर का क्लॉथ लेते हैं और उस पर वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं जब हमने ऐसा किया तो जो क्लॉथ है वो हमें रेड कलर का दिखता है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं क्लोट रेड कलर का क्यों दिखता है क्लोट रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि क्लोट सारे कलर ऑफ लाइट को एब्सॉर्व कर लेता है और सिर्फ रेड कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए क्लोथ अब, अब हमें कैसा दिख रहा है रेड कलर का अगर हम वाइट लाइट के बदले येलो लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ऑन द्लॉथ तब जो हमारा रेड कलर का क्लोथ था वो हमें ब्लैक कलर का दिखता है जैसे आप इस सेकंड फिगर में देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब जो क्लोथ जो है वो येलो कलर ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है और कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता इसलिए क्लोथ जो है वो हमें ब्लैक कलर का दिखता है अब हम देखते हैं हमने क्या क्या सीखा हमने सीखा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट को एमिट नहीं करते ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू सारी लाइट पास हो जाती है एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं होती किसी भी नॉन ल्यूमिनस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर ऑफ लाइट को अपने से थ्रू ट्रांसमिट करता है किसी भी नॉन ल्यूमिनस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करेगा i hope you have enjoyed learning about color of transparent and opaque non luminous objects thank you and keep watching